एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि हमारे जो परमानेंट इफेक्ट थे उसका सेकंड है, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो कई बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों सेम बात है। मतलब हम रेजोनेंस इफेक्ट को ही मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं, है ना? तो मैं यू नहीं कहूंगी कि जो बुक में लिखा है वो गलत है, बट मैं यू कहूंगी कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों अलग अलग चीज है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से ही मैं बोल रही हूँ कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है और मीजोमेरिक इफेक्ट है वो थोड़े से एक दूसरे से अलग है। तो पहले मैं उस डिफरेंस को समझाऊंगी कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, एंड लेटर आई विल टॉक दैट व्हाई बुक हैड राइट दैट रेजोनेंस इफेक्ट इज इक्वल टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, मीजोमेरिक वर्सेस रेजोनेंस, ठीक है। तो आपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और रेजोनेंस आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज ये मैंने कोई भी स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, एक रेंडम कोई भी स्ट्रक्चर उठाया मैंने, बाकी इसका नाम 1, 2, 3, 4, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन के एग्जाम्पल लिया है, डाइन्स है जो आपके। अब मैं इसमें रेजोनेंस करवाना चाहूँ तो रेजोनेंस के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये वाली डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हुआ क्या, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे तब उसमें हुआ क्या कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज एंड हियर आई विल गेट नेगेटिव चार्ज, है ना। एक वे तो ये है, दूसरा क्या हो सकता है, यहीं से देखो आप कि इतना तो समझ आ गया ये वाला कैसे हुआ, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए और ये वाले इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करवाऊ, कैसे, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो आ जाए इधर और ये वाला बॉन्ड चला जाए इधर, तो उससे बनेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज एंड हियर आई विल गेट योर नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था रेजोनेंस, है ना। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा दूं या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दूं या एटम लगा दूं जिसकी वजह से, यहाँ देखो ये टू वे मूवमेंट है, टू वे मूवमेंट मतलब या तो ये इस साइड भी जा सकता है और ये इस साइड भी हो सकता है, बट मैंने कोई ऐसा एटम लगा दिया या ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से टू वे मूवमेंट आपकी वन वे में कन्वर्ट हो गई। कैसे, सपोज करो इसी एग्जांपल में थोड़ा सा यहाँ देख लगा लेती हूँ मैं, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक। तो सपोज मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड को H लगा दिया, आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, सॉरी ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्रुप देखो जिसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करवा, है ना। तो ज्वाइन करवाने के लिए मुझे कॉम्बिनेटेड सिस्टम चाहिए होगा, तो इसको देखो ये जैसे ये लगा लो NH2 लगा दो, है ना, NH2 में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना और यहाँ इसके क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, और इसकी ट्रांसफरिंग से क्या बना मेरे पास, मतलब रेजोनेंस करने के बाद आई गॉट NH2 पॉजिटिव चार्ज, हियर डबल बॉन्ड इज फॉर्म एंड हियर नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर। तो आप देखो जब यहाँ पर NH2 ग्रुप मैंने लगा दिया, तो NH2 ग्रुप लगाने से जो रेजोनेंस की डायरेक्शन है आपकी वो सिर्फ यही डायरेक्शन है। हम अब क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ नहीं जा सकते, मतलब जो टू वे डायरेक्शन थी उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें, वन वे डायरेक्शन, ठीक है, या वन वे मूवमेंट। क्या हो गया ये, वन वे मूवमेंट। तो
इतनी बात समझ में आई कि टू वे मूवमेंट क्या है और वन वे मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो जो ये टू वे मूवमेंट है इसको मैं बोलती हूँ रेजोनेंस, व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। बट जो ये वन वे मूवमेंट है इसको मैं बोलूंगी मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हुआ आपको रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में। इतना सा डिफरेंस है कि अगर टू वे मूवमेंट हो रही है कहीं पर तो वो रेजोनेंस है, अगर किसी ग्रुप ऑफ एटम या एटम के लगाने से मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि जो रेजोनेंस है वो एक डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको बोलूंगी मैं मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई मेरे सामने कि जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट हैं वो सारे रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकते हैं। मींस ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट योर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इसको आप स्टार करके मार्क कर लो। डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टार करके अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें मार्क करो बात कि ऑल मीजोमेरिक effects are resonant, but reverse is not true. Okay? समझ आया कि जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट है उनको मैं रेजोनेंस बोल सकती हूँ, इसीलिए आपकी बुक में लिखा होता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट एक ही बात है, क्योंकि एक्चुअल में मीजोमेरिक में भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है ना, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि रेजोनेंस में टू वे मूवमेंट है और आपकी मीजोमेरिक में वन वे मूवमेंट है। या इसको मैं यूं बोल सकती हूँ कि रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल है और जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है वो आपका है यूनिडायरेक्शनल। इज इट क्लियर? ओके, इतना डिफरेंस समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, बेसिकली एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। साथ साथ में अब डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस इफेक्ट में, इसमें सिर्फ इतना है कि मूवमेंट होगी आपकी पाई इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस इज टर्म्ड एज योर मीजोमेरिक इफेक्ट। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हो आप ड्यू टू रेजोनेंस। समझ आया इतना कि मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या आपकी मेन पॉइंट है। ठीक है, ये तो था आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में कितने टाइप्स है ना? टाइप ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको मैं एम इफेक्ट भी लिखूंगी। अब शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है इसको एम से, या अगर रेजोनेंस लिखूंगी तो मैं आर से। ओके, तो बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट बेसिकली टू टाइप का होता है। नंबर वन इज प्लस एम इफेक्ट और नंबर टू इज माइनस एम इफेक्ट। अब आप पूछोगे कि मैम प्लस एम इफेक्ट में होता क्या है और माइनस एम इफेक्ट में होता क्या है? तो इसको ऐसे समझो कि ऑल द एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द कंजुगेटेड सिस्टम शो प्लस एम इफेक्ट। तो जितने भी एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, जिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, अगर उसको रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तो दे विल शो योर प्लस एम इफेक्ट। ऐसे ही जितने भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन ले ले यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू द रेजोनेंस शो माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यू लिख सकती हूँ विच
इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। From the conjugated system, atom are show your minus m effect. तो वो क्या show करते हैं बच्चों? Basically आपका minus m effect show करते हैं। तो यहाँ से बात clear हुई कि जो भी plus m effect show करेगा, वो आपकी electron density को increase करेगा। Electron density increase। और जो भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स लूं मैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज कर सकता है? जिसके पास पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, और वो बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज हो वो इंक्रीज कर सकता है, आपका OH इंक्रीज कर सकता है फंक्शनल ग्रुप, आपका NH2 इंक्रीज कर सकता है, है ना। और अब माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली आपका कौन डिक्रीज करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको इलेक्ट्रॉन इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली अपने आपके पास वो हेल्ड करके रख सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके बेसिकली NO2, योर CN, योर BH2, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और ये हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। आगे हम इनके ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और कौन कितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि आपका कौन कौन से फैक्टर हैं जो मीसोमेरिक इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर affecting mesomeric effect, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मीसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं? ओके, बेसिकली होता क्या है कि चार फैक्टर हैं जो मीसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। नंबर वन इज योर साइज। साइज बहुत कॉमन फैक्टर है जो ऑलमोस्ट सभी इफेक्ट्स को अफेक्ट करता है। साइज में आपको देखो पता है, सपोज करो कि आप और आपका फ्रेंड अगर सेम लोकेलिटी का है, या यू कह सकती हूँ मैं कि सेम क्लास से बिलोंग करता है, तो आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एज कम्पेयर टू आपका कोई फ्रेंड जो US में रहता है, तो उसका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल सब कुछ अलग होगा, तो उसकी और आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। एज कम्पेयर टू वो वाला फ्रेंड जो आपका इंडिया में रहता है, आपकी लोकेलिटी में रहता है, है ना। साइज को आप ऐसे ही समझो, जो आपके कंपेरेबल, जो आपके जैसा है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जो आपसे थोड़ा अलग है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझो कि सपोज मैंने ये सिस्टम ले रखे हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम लिए मैंने, ठीक। अब यहाँ पर साइज का देखो, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कैसे होगा? कुछ इस टाइप, है ना। सबका एक बार ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? लोन पेयर इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, है ना। अब देखो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई, यहाँ पर कार्बन और फास्फोरस में, यहाँ कार्बन और आर्सेनिक। अब हुआ क्या, जब बॉन्डिंग होती है ना, तो ये देखो कार्बन और नाइट्रोजन का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, मतलब इक्वल साइज है, तो वहां पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी,
मतलब जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। अब इसको यूं समझो कि आपके पास, चलो छोड़ो, वो एग्जांपल छोड़ो, आप सिंपल ये देखो कि अगर ऑर्बिटल कंपेरेबल साइज के हैं तो उनके अंदर ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर टू जो बड़े साइज के ऑर्बिटल है। अब फोस्फोरस का साइज, ऑर्बिटल का साइज थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कार्बन से, तो इनके बीच में इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब आर्सेनिक पर हम जब जाएंगे तो उसका साइज तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो तो और भी बड़ा हो गया साइज में, तो कार्बन और आर्सेनिक की बॉन्डिंग ना के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि साइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंपेरेबल साइज वाले एटम्स के बीच में रेजोनेंस हम करवाना चाहते हैं तो वहां ओवरलैपिंग अच्छी होगी और रेजोनेंस भी इंक्रीज होगा, मतलब जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है वो पॉसिबल है एज कंपेयर टू जिसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो पहला फैक्टर साइज आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या होता है, कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आवर सेल्फ। किसी भी एटम की एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा होगी, रेजोनेंस का मतलब आपका मीजोमेरिक इफेक्ट वहां पर ज्यादा होगा। ओके, आई होप आपको दो फैक्टर्स अच्छे से क्लियर है, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो थर्ड फैक्टर है दैट इज योर क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि दो या तीन एटम्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट एक लिंकेज के थ्रू वो आपस में कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन सिस्टम। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो देखो क्या है इसका एग्जांपल, जैसे कि और देखो, एक ये सिस्टम लो, यहाँ इसके लोन पेयर है, एक ये, ठीक है। अब ये लोन पेयर इस सिस्टम में तो क्या होगा, डायरेक्टली रेजोनेंस शो करेगा और आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डेवलप हो जाएंगे, है ना, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो सिस्टम के साथ रेजोनेंस शो कर सकता है, या तो वो इस सिस्टम के अंदर जाए, इसको देखो, है ना, या जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस सिस्टम में ना है, इसको देखो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लोन पेयर है वो दो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए और दो जगह वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ये क्या है आपका, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन से हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वाले नाइट्रोजन की, पहले तो सिर्फ वो ए बी सिस्टम में जा रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां इंक्रीज हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दो सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दो जगह बढ़ा रहे हैं एज कंपेयर टू वन प्लेस। तो एक जगह जब बढ़ाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां दो जगह थी। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, आप क्या कर रहे हो, अपने या तो एक दोस्त को 100 रुपए दे दो। अब आपके पास क्या आया कि दूसरा दोस्त आ गया, वो कहता भाई मुझे भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी दे दे।
तो वो आप क्या करोगे कि या आप तो क्या कर रहे थे पहले, एक दोस्त को 100 रुपए दे रहे थे, अब आपके पास और पैसे नहीं है देने के लिए सपोज, तो आप क्या करोगे, वो जो 100 रुपीज है आप उन दोनों में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो अब एक पर्सन के पास जिसको पहले 100 रुपीज मिलने वाले थे उसको 50 रुपीज मिल रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे डेंसिटी कम हो गई पैसों की, ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी। तो मैं यूं बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन बढ़ेगा आपका रेजोनेंस कम होगा। सो एज द क्रॉस कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस रेजोनेंस डिक्रीजेस या मीसोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस। समझ आया इतना? ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो मीसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करता है दैट इज स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। इसमें क्या होता है, साइज का रोल होता है। जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप मैं लूंगी, जितनी ज्यादा बल्किनेस होगी किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बिकॉज अगर मान लो मैंने सारे कंपाउंड, मतलब जो स्ट्रक्चर है मेरा उसके सभी एटम एक प्लेन के अंदर है, बट मैं वहां पर एक बल्की एटम रिप्लेस कर दूं, तब तो वो बल्की एटम क्या करेगा, एटम्स को डिस्टॉर्ट कर देगा उनके प्लेन को। जो अब सब पहले प्लेन में थे वो थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। डिस्टॉर्ट होने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम होने का मतलब क्या है कि वहां पे रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टीरिक फैक्टर आपका जो मीसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस है उसको कम करता है। आई होप आपको फैक्टर्स क्लियर हैं जो जो मीसोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। नंबर वन साइज, सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इज क्रॉस कॉन्जुगेशन, फोर्थ इज स्टीरिक फैक्टर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट एवरी वीडियो अपलोडेड ऑन दिस चैनल यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।